खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन। और गाइस, इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस, इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइज, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज, इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने, और गाइज इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइज, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज, इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज, ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज, मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहाँ बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया, यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो गाइस, प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो गाइस, चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और पांचवा सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस, मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस, आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस, अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं
तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने, और गाइस इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहाँ बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया, यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और 5वां सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो 6ठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो 7वां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में।
तो गाइज़ आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइज़ इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन। और गाइज़ इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइज़ अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज़ इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने, और गाइज इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहाँ बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज़ बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया, यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और 5वां सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो 6ठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो 7वां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा,
सुमित पुरोहित और करण अंशुमन। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने। और गाइज इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है, बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहाँ बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया। यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और 5वां सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो 6ठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो 7वां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल।
तो चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने, और गाइज इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है, बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहाँ बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया, यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और पाँचवा सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने, और गाइस इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है, बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहाँ बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया, यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और पाँचवा सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने, और गाइस इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है, बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहाँ बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं।
हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया। यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो वैसे चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो वैसे अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो वैसे इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और पांचवा सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने, और गाइस इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहाँ बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया।
यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो वैसे चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो वैसे अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो वैसे इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और पांचवा सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने, और गाइस इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहां बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया। यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति
बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो वैसे चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो वैसे अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो वैसे इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और पांचवा सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो सातवा सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने, और गाइस इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहां बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया, यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए
प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो वैसे चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो वैसे अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो वैसे इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और पांचवा सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने, और गाइस इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहां बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया, यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो वैसे चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो वैसे अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो वैसे इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे,
और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और पांचवा सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने, और गाइस इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहां बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया, यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो वैसे चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो वैसे अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो वैसे इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और पांचवा सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में।
तो वैसे अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो वैसे इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो वैसे आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो वैसे अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो वैसे अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने, और गाइस इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहां बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया, यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो वैसे चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो वैसे अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो वैसे इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और पांचवा सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो 7वां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के।
तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने, और गाइस इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहां बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया, यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो वैसे चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो वैसे अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो वैसे इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और पांचवा सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो 7वां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में
किस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लेनकोवस्की ने और गाइस इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहाँ बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया, यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट और चौथा सॉन्ग है मौला और 5वां सॉन्ग है मेरी जिद और गाइस जो 6ठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है और गाइस जो 7वां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख,
पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडिस और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लेनकोवस्की ने, और गाइज इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है, बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहाँ बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया, यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और पाँचवा सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो 7वां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडिस और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लेनकोवस्की ने, और गाइज इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है राम संपत ने।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है, बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहां बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया, यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो वैसे चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो वैसे अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो वैसे इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और पांचवा सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो 7वां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने, और गाइस इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से।
कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है, बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है। एक ऐसा देश जहां बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया। यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो वैसे चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो वैसे अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो वैसे इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और पांचवा सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने, और गाइस इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है, बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है। एक ऐसा देश जहां बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है।
हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया, यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैज प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो वैसे चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो वैसे अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो वैसे इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गई जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और पांचवा सॉन्ग है मेरी जिद, और गई जो छठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गई जो सातवां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गई मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गई चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने, और गाइज इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहां बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया, यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में
प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैज प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो वैसे चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो वैसे अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो वैसे इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गई जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और पांचवा सॉन्ग है मेरी जिद, और गई जो छठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गई जो सातवां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गई मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गई चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने, और गाइज इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है एक ऐसा देश जहां बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालाँकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया, यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में
विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं, उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैज प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो वैसे चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो वैसे अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो वैसे इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गई जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और पांचवा सॉन्ग है मेरी जिद, और गई जो छठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गई जो सातवां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गई मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गई चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने, और गाइज इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहां बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया, यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं, उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो
तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और पाँचवा सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने, और गाइस इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहाँ बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया, यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और पाँचवा सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे
EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने, और गाइस इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहाँ बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया, यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और 5वां सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो 6ठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो 7वां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी।
तो गाइज़ अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइज़ इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन। और गाइज़ इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइज़ अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज़ इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने, और गाइज इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहाँ बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज़ बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया, यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और 5वां सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो 6ठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो 7वां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में।
तो गाइज़ आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइज़ इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन। और गाइज़ इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने, और गाइज इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहाँ बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया, यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और 5वां सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो 6ठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो 7वां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा,
सुमित पुरोहित और करण अंशुमन। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने। और गाइस इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है, बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहाँ बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया। यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और 5वां सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो 6ठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो 7वां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल।
तो चलिए गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने, और गाइज इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है राम संपत ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है, बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहाँ बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया, यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो वैसे चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो वैसे अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो वैसे इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और पांचवा सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो सातवां सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंगिस्तान मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, किसने प्रोड्यूस किया, और इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने, और गाइस इस मूवी के राइटर हैं पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन, और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है रितेश सिद्धवानी के द्वारा और फरहान अख्तर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रितेश देशमुख, पुलकित सम्राट, जैकलिन फर्नांडेज और आर्या बब्बर और टोमाज करोलक और चंदन रॉय सान्याल। तो चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है सिजमोन लैनकोवस्की ने, और गाइस इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है राम संपत ने।
तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है एक्सल एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अगस्त 2015 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 135 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक काल्पनिक देश में स्थापित है, बंगिस्तान, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ऐसा देश जहाँ बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं। हाफिज बिन अली बंगिस्तान का मुसलमान है जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। एक दिन वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वह अब ग्राहकों से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दौर करता है। हालांकि समुदाय के नेता ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए राजी किया, यह विश्वास दिलाकर कि अगर वह आत्मघाती बम विस्फोट में मर गए तो वह स्वर्ग जाएंगे। अपनी पहचान और नेता के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए हाफिज पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का उपयोग करता है। ईश्वरचंद शर्मा नाम का एक हिंदू, प्रवीण चतुर्वेदी एक हिंदू है जो अपने भगवान गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और अपने प्रिय भगवान का अपमान करने वाले पर हमला करते हैं। राजनीतिक कारणों से गुरुजी प्रवीण को पोलैंड में विश्व धार्मिक सम्मेलन में आतंकवादी हमला करने के लिए कहते हैं। उसी घटना पर हाफिज विस्फोट करने जा रहे हैं। गुरुजी के साथ अपनी पहचान और संबंधों को छुपाने के लिए प्रवीण पोलैंड में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का भी उपयोग करता है। तो वैसे प्रवीण यहाँ पे जाके हमला कर पाता है या नहीं कर पाता है, कोई इसे रोकता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आप मूवी की स्टोरी देखिए और मूवी देखिए और अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग हैं, जिसमें कि पहला सॉन्ग है इस करेंगे, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है होगी क्रांति, और तीसरा सॉन्ग है सैटरडे नाइट, और चौथा सॉन्ग है मौला, और पाँचवा सॉन्ग है मेरी जिद, और गाइस जो छठा सॉन्ग है वो है इस दुनिया से लड़ना है, और गाइस जो सातवा सॉन्ग है इस मूवी का आखिरी सॉन्ग है वो है इस करेंगे EDM वर्जन में। तो गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.5 की रेटिंग, जो कि इतनी ख़राब रेटिंग भी नहीं है ना कि ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आपका टाइम तो पास कर ही देगी मूवी। तो गाइस अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखिए, आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।